Here you are. Oh, good afternoon to all. I, Tejaswini, a student of class 8, would like to bring the theme of the third annual function into limelight. First of all, I bow my head into the lotus feet of all. Today, I also welcome and greet you all to the third annual function of Acharyakulam for the grace of your esteemed presence and honor. Yoga has been playing an important and domineering role in an art of living, which we are learning in the sanctimonious ambience of Acharyakulam in the close association with the gurus. And thus, the most authentic book of yoga is Yoga Darshan. Our annual function is completely theme-based. And this year, the theme of our annual function is Yoga Marg, Yoga the Path, based on Maharshi Patanjali's Yoga Darshan. Yoga Darshan is a very tough subject. The students of Acharyakulam have made earnest endeavors to simplify and present it through skits, mimes, various dances, acts, acrobatic postures of yoga, etc. We do expect that the synchronization of different vibrant programs will surely mesmerize you, being overwhelmed, impressed, and inspired by the philosophy of yoga to be portrayed before you. You will assimilate yoga in your daily course of life. So let's pay a visit to the ashram of Rajguruji. शिष्यों, परमेश्वर क्या है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। अर्थात जितनी भी विद्याएं संसार में हैं, चाहे वह भौतिक हों, चाहे आध्यात्मिक, चाहे विज्ञान से युक्त हों, उन सब का कर्ता, धर्ता, हर्ता ईश्वर है। अब प्रश्न उठता है, इस ईश्वर को कैसे पाएं? युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। अर्थात योग को करने वाले मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने मन को पहले ईश्वर में युक्त करते हैं, तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को धारण करते हैं। पृथ्वी पर योगी का यही लक्षण प्रसिद्ध है। अतः आप सबको भी अपने जीवन में योग को उतारकर ईश्वर की ओर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। राजन आपसे मिलने हेतु पधारे हैं। सम्मान पूर्वक उन्हें अतिथि गृह में बैठाओ। प्रणाम गुरुवर। यशस्वी भव राजन, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? समाज की बहुत बुरी दशा है गुरुवर, समझ ही नहीं आता क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। सारी की सारी प्रजा पथभ्रष्ट हो चुकी है। आप स्वयं ही देख लीजिए, व्यापारी क्या कर रहे हैं? देखियो किसी लागू सु गणेश सूत्री लागे सर।
आराम आराम ते दबा भाई। जी बाऊ जी। रुक जा, इब्बे बताऊ हूँ तेने। पहले पकड़ के तो दिखा गोलगप्पे। हाय हाय, मेरे तो करम ही फूट गए थे, जो हरिश्चंद्र मेरे पल्ले पड़ गया। अरे के हो गया भगवान, इतनी लाल पीली क्यों हो रही से? शर्मा जी की घराली ने देख, रोज नवे नवे सूट पहरे, बैरन जेवरा ने रोज घड़वावे। इतना नंबर दो का पिस्सा बरसन लाग रहा, और तन्ने आसे में तो कुछ कोन्या ला के दिया। तू भी बैरन मानने कोन्या, बेमाना करवा के मानेगी? हाँ मैं कोनी मानू, मन्ने भी औरा की तरह सुथरे सुथरे सूट और जेवर चाहिए। अरे सुन सके, अरे सुन, यू भी मान कोन्या, बेमाना करवा के मानेगी? घी में मिलेगा? अरे दूना फायदा देगा दूना। देसी घी में के मतलब मिलावट? और दूध का की करूं, दूध तेज बस 10 किलो आया है। अरे के फर्क पड़ रहा, ले पकड़ 4 किलो पाउडर, 1 किलो यूरिया, 1/2 किलो कास्टिक सोडा। अरे 2 ट्यूब मिला दे 20 किलो पानी में, हो गया कोटा पूरा, बन गया तेरा दूध फर्स्ट क्लास। ओए तेरे हाथ में मेहंदी लग रही है के है? जल्दी जल्दी कर। अरे तू भी जल्दी कर। मालिक जी 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 साहब, मैं सू आओ साहब आओ। राम राम साहब, राम राम। अच्छा बेटे, यो के गोरख धंधा चला रखा है, पकड़ा गया रंगे हाथों, अब बढ़ेगी पाउडर वाले तो थाने में चल के। अरे साहब, अरे साहब, कैसी बात कर रहे हो? इस दूध में तो इतनी पौष्टिकता से अक्यू आपने भी खुश रखेगा और हमने भी। वाह भाई वाह, ई दूध में तो घनी पौष्टिकता से घनी। सच्ची में। अरे अरे मालिक, यो तम कती ठीक ना कर रे, कती ठीक ना कर रे। इस मिलावटी दूध और घी ते कैंसर, दिल का दौरा, लीवर फेल जैसी सैकड़ों बीमारियां लग जाए। ओहो सुनो भाई सुनो, इब डॉक्टर हमें समझावेगा हैं? मर जा परे ने। राजन आप उचित ही कह रहे हैं, ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। यह तो कुछ भी नहीं गुरुवर, लोगों के बीच धर्म के नाम पर बहुत गहरी गहरी खाइयां बन चुकी हैं, आप स्वयं ही देख लीजिए। जन धर्म को लेकर तो ये सब भ्रमित हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि भावी पीढ़ी शिक्षित होकर धर्म की सही परिभाषा लोगों को समझाएगी। भावी पीढ़ी और शिक्षित, आप उसे भी देख लीजिए गुरुवर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सिट डाउन। Today, we will discuss about photosynthesis.
I said, who has done it? Stand up, prince. Why have you done so? What have I done? Why are you catching my ear? Oh, is this? Come to principal's office. No, I won't. Leave it, sir. Leave it, leave it. Let me show you. Dance is smoking, dance and moonwalk. Dance is grooving, it makes the world rock. Dance is cutting chai, takes you real high. Dips it toe tuck, hips it hop. Ba-ba-ba-bangara, se leke pop tuck. Na-na-na-na-chike, let's move it. Don't you think, yeah? Just do it. Dance is super cool, dance is hot, hot. Laga le jhatka with what you got. If you can shake a leg, to dance aayega. Na kar bheja fry, just give it a try. Naach bindas, dunya bhar mein jaye. Dikha de nach ke, you gotta prove it. Don't think ya, da, do it. वास्तव में ये तो बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। अगर हमारी भावी पीढ़ी की सोच इस प्रकार की है तो भविष्य में हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? भावी पीढ़ी छोड़िए गुरुवर, वर्तमान में वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि चारों तरफ धुएं और शोर में तो जीना ही मुश्किल हो गया है। इस स्थिति को भी देख लीजिए गुरुवर। हाँ गुरु
देश में महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय है। कन्या भ्रूण हत्या, अशिक्षा, दहेज आदि बुराइयों से महिलाएं कैसे पीड़ित हैं, आप उस स्थिति को भी देख लीजिए गुरुवर। देखिए समधी जी, लड़की तो आपकी बहुत सुशील है और हमें बहुत पसंद भी है, पर लेन देन में हमारा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आपकी लड़की, हमारा लड़का, इसमें सौदेबाजी वाली क्या बात है? ये तो आपकी महानता है जी, वरना आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। सही पकड़े हैं समधी जी, हम इस बुढ़ापे में पैसे लेकर क्या करेंगे? हमने तो जीवन भर की कमाई बेटे को पढ़ाने लिखवाने में लगा दी, अब उसकी दुकान खुलवाने में 14-15 लाख तो लग ही जाएंगे। वैसे भी भाई साहब, अब आप जैसे रिश्तेदार मिल गए हैं तो हमें क्या चिंता। मतलब नहीं समझे बहन जी। इसमें मतलब समझने जैसी क्या बात है बहन जी, हमसे जितनी मदद होगी हम करेंगे, बाकी आप लोग तो हैं ही। चलो समधी जी, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे ही। और दुकान पर तो कोई साइकिल से जाएगा नहीं, और जो मोटरसाइकिल आप देंगे उस पर आपकी बेटी और दामाद ही तो घूमेंगे, हमें क्या करना है। चिंता मत करो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सोचो तो। ठीक है जी। सारा दिन पड़ी पड़ी खाट तोड़ती रहती है, चल जा, खाना ले क्या मर लिया? खाना? घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं है। 10 दिन से मुझे तेज बुखार है, 3 दिन से तो कुछ खाया भी नहीं है। दवा तक के लिए तो पैसे है नहीं, और तुम रोज शराब पी कर आ जाते हो। बहुत ज्यादा जबान चल रही है तेरी, बहुत रईस बाप की बेटी है ना तू। तेरे बाप ने 15 लाख की जगह 5 लाख में मेरे पल्ले बांधी। आ तुझे बताऊं, सद्बुद्धि दो, मुझसे तो समाज की ये दशा देखी नहीं जाती। ईश्वर, गुरुवर, इन लोगों को तो ईश्वर का कुछ भी ज्ञान ही नहीं है, बल्कि ये सब तो अंधविश्वासों की जंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए गुरुवर, क्या हो रहा है। ओए खटका, लेखैनी बना। जी गुरु। रात का दारू का इंतजाम हो सके। ठीक है फटका, तू 2 मिनट बाद उसे अंदर भेज, मैं तैयार होता हूं। और खटका, तू अपनी नौटंकी शुरू कर। दीदरू, बाबूजी मुझे बचा लो, बाबूजी मुझे बचा लो। क्या बात है बच्चे, बहुत परेशान लग रहे हो। चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरे पास जो आता है वो खाली हाथ ही, अरे रे रे रे, वो खाली हाथ नहीं जाता है बच्चा। जय हो बाबा जी, जय हो बाबा जी दी, जय हो बाबा जी। आप दी तलन में आदि में सारे दुख दूर हो दे, ललते दी ललते दी नौतली लद दई, ललती दी तादी हो दई, पत्नी दी डाली बीमारियां बाबा दी। बाबा दीदी दे हो, बाबा दीदी
दे हो बाबा जी, आप दिल पाओ तो मतान भी बनता है। हाँ बच्चा, जैसा मैं देख रहा हूँ कृपा रुकी हुई है। तुम हरी चटनी के साथ समोसे खाओ और पत्नी को गोल गप्पे खिलाओ और प्रसाद में भी गोल गप्पे बांटो, रुका हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। देता आपका आदेश बाबा जी। बाबा जी दी दय हो, दय हो बाबा जी दी दय हो। मुझ पर भी अपनी कृपा करो बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं, लगता है जैसे कोई मुझे मार रहा है। मैं जीना चाहता हूँ बाबा जी, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे बचा लो बाबा जी, मुझे बचा लो। अरे तुम पर तो बहुत बड़े प्रेतात्मा की काली छाया है, 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 काली छाया है। हे राजन, वास्तव में राज्य के लोगों की दशा तो बहुत ही दयनीय है। गुरुवर, आप ही इन समस्याओं का कुछ समाधान सुझाइए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या किया जाए? ठीक है राजन, समस्या जटिल है, अतः मैं चिंतन करके कुछ समय पश्चात आपसे बात करूंगा। हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजगुरु। प्रणाम ऋषिवर, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। प्रणाम, मैं पतंजलि हूँ। महर्षि पतंजलि, आप? अहो भाग्य। ऋषिवर, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे महर्षि, आपको तो ज्ञात ही है कि राज्य के लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, पर मुझे कोई समाधान नहीं सूझ रहा। ऋषिवर, समाधान से पहले आपको इसके मूल कारण जानने होंगे। आओ इनके मूल कारण जानें। हे देवी, कहो तुम अपने पति को बेईमानी करने के लिए क्यों विवश करती हो? ऋषिवर, जब ईमानदारी से सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती, तो मैं भी क्यों ना औरों की तरह अपने पति को बेईमानी से धन कमाकर मेरे लिए सारी सुख सुविधाएं जुटाने को कहूँ। आखिर मनुष्य का जन्म सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए ही तो हुआ है। देखो ऋषिवर, इसको अविद्या अर्थात अज्ञानता रूपी क्लेश के कारण मनुष्य के जन्म के वास्तविक उद्देश्य का पता ही नहीं है। इसी अज्ञानता के कारण इसको भौतिक संसाधनों के प्रति राग हो गया है। आप सत्य कह रहे हैं महर्षि। अब आप धार्मिक कट्टरवाद के कारण को भी जान लीजिए। आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? ऋषिवर, मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, इन सबको मेरा ही धर्म मानना चाहिए। नहीं, मेरा श्रेष्ठ है। नहीं, मेरा है। नहीं, मेरा श्रेष्ठ है। देखो ऋषिवर, ये भी अविद्या अर्थात अज्ञानता रूपी क्लेश के कारण धर्म और ईश्वर के असली स्वरूप को नहीं जानते हैं। इसी अज्ञानता के कारण ये एक दूसरे के धर्म के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, अर्थात ये लोग द्वेष रूपी क्लेश से भी पीड़ित हैं। आप सही कह रहे हैं महर्षि, लेकिन भावी पीढ़ी में इतना आक्रोश। अब आप भावी पीढ़ी के आक्रोश के कारण को भी जान लें। सुनो पुत्र, कहो आपके मन में अपने अध्यापक और माता पिता के प्रति इतनी असम्मान की भावना क्यों है? What can I do? Nobody tries to understand. They think I am a small boy and I know nothing. They always want to teach me. I don't require all these boring lectures. If they cannot fulfill my demands, they have no right to give me all these nonsense lectures. देखा ऋषिवर, अविद्या से ग्रसित होने के कारण कैसे अस्मिता अर्थात अहंकार रूपी क्लेश इस भावी पीढ़ी के सिर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल ठीक है महर्षि,
आओ अब प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, ध्वनि प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में रसायनों के प्रयोग के पीछे के कारणों को भी जान ले। ऋषिवर, मानव तो इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है, यदि हम इसका उपभोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हमारे पूर्वजों ने भी तो कहा है, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत। देखा ऋषिवर, इन सभी ने अविद्या और राग से ग्रसित होकर हमारी सभ्यता की अच्छाइयां छोड़कर बुराइयों को पकड़ लिया है। मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ महर्षि। आओ अब दहेज और नशे के कारण महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के कारण को भी जान लें। सुनो माता जी, विवाह तो एक पवित्र बंधन है, जब आप इसकी शुरुआत ही सौदेबाजी से कर रहे हो तो फिर उसका भविष्य क्या होगा? ऋषिवर, समाज में तो लेन देन चलता ही रहता है, अगर हम नहीं लेंगे तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखो ऋषिवर, अज्ञानतावश ये लोग अहंकार में चूर हैं, समाज में झूठी इज्जत बनाने के चक्कर में सही गलत का विचार ही नहीं कर पा रहे। और तुम बताओ युवक, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि यह नशा तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी बर्बादी का कारण है? क्या करूं, जीवन में इतनी चुनौतियां थी, दिन भर दिमाग में इतना तनाव रहता था, दुख रहता था कि रात को नींद नहीं आती थी। एक शराब ही तो ऐसी चीज है जो मुझे सुकून देती है, और ये मेरी पत्नी भाषण दे देकर मुझे और परेशान करती थी, इसलिए गुस्से में मेरे हाथों इसकी मौत हो गई। देखो ऋषिवर, जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, इसका ज्ञान इसे है ही नहीं। ये व्यक्ति भी अविद्या और राग से ग्रसित होकर अपना परिवार तथा खुद का जीवन बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महर्षि।